महाराजा लोग थे, पहले बप्पा रावल थे, फिर महाराणा कुंभा, फिर कुंभा के बाद राणा सांगा, जिनकी एक आंख नहीं थी, उनके एक हाथ नहीं थे, और काफ़ी वीर आदमी थे, सारी लड़ाइयों में जीती थी। फिर महाराणा उदय सिंह, महाराणा उदय सिंह के बाद फिर ये भूपल सिंह का है, पोर्ट्रे है यहाँ पे, और ये पूरी कालभोज बप्पा से लेके, बप्पा रावल से लेके पूरी इनकी जो एक चेन चली आ रही है राजाओं की, राणाओं की, वो पूरी यहाँ पे दिखाई जा रही है। रतन सिंह थे, हमीर सिंह थे, क्षेत्र सिंह, लक्ष्य सिंह, राणा मोकल, राणा कुंभा जो काफ़ी फेमस थे। राणा कुंभा न केवल एक योद्धा थे परंतु वे संगीत साहित्य में भी निपुण थे। सबसे ज़्यादा इन्होंने महल में निर्माण करवाया था, राणा संग्राम सिंह, जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी बाबर से, खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में, और राणा प्रताप सिंह जिन्होंने अकबर से लड़ाई लड़ी थी। और एक मिनीचर है, देखिए अच्छे तरीके से पूरा मिनीचर बनाया गया, पहाड़ी के ऊपर जो अरावली की पहाड़ी है उसके ऊपर पूरा मिनीचर बनाया गया है, और यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग देखिए 7वीं से 12वीं शताब्दी में जो पहला चरण था, 16th to 18th सेंचुरी एनो डोमिनी, 5th फेज 18th to mid 20th सेंचुरी एनो डोमिनी, में सबके नाम भी लिखे हैं। एक कार्डबोर्ड है मोहर मगरी, शिव मंदिर, चित्रंग का तालाब, जैन कीर्ति स्तंभ है, जैनों ने बनवाया था, दिगंबर जैन मंदिर है, वो विजय स्तंभ है जो राणा कुंभा ने बनवाया था। और एक मिनीचर है यहाँ पे, महाराणा फतेह सिंह महल का मिनीचर है यहाँ पे, समतल फर्स्ट फ्लोर। मिनीचर के अंदर आ चुके हैं हम, ये महल है जो म्यूजियम में बदल दिया गया है अभी, ये अष्ट शस्त्र दीर्घा है, मतलब यहाँ आर्मरी है, आप देखिए राजपूतों की आर्मरी कैसी होती थी। आदि मानव स्टार्ट से ही ये जो औजार दिखाए गए हैं यहाँ पे, वहाँ वो रखे हुए हैं, पैलियोलिथिक स्टोन टूल्स हैं यहाँ पे, जिनको तैयार किया गया था आदि मानव द्वारा। अष्ट शस्त्र गैलरी, ये देखिए राजपूतों का हाथ से पकड़ के मारने वाला, हीड चेयर एंड लांस, भाला, भाला है, भाला उसे कहते हैं जो एक लंबी और मोटी लकड़ी भी या बांस का बना हो, उसके ऊपर भाग में धातु को फल लगा हो, लैंस, जगनोल, ये जगनोल जो होता है कौवे की चोंच की तरह होता है आगे से, द शार्प एक्स शेप लाइक द बैक ऑफ अ क्रो यूज्ड टू कट द आर्मर रिच एक्स पर्शु, यहाँ पे एक एक्स पड़ा है, एक जगनोल पड़ा है। एक वॉरियर कैसे ये भाले लिए होते हैं वो देखिए, आर्मरी के साथ में, ये लकड़ी के भाले हैं दोनों साइड से भाले, इसको पकड़ के आप आगे पीछे दोनों से वार कर सकते हैं, इस टाइप के भाले होते थे उस टाइम, जो फिल्म में दिखाते हैं ना स्ट्रेट भाले, ये थोड़े टेढ़े मेढ़े टाइप के हैं, ये रियल भाले हैं, ओरिजिनल भाले। और कुल्हाड़ी तो आप जानते हैं, एक्स, ये कुल्हाड़ी है और तवर है, ये तवर है बीच में, इसका पृष्ठभाग भारी होता है, जैसे नीचे दिख रहा है ना, इसमें हत्था फंसाने के लिए छेद होता है, तो ये छेद दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ हत्था फंसा सकते हैं आप, एरोज, ये तीर हैं सारे, बहुत पतले पतले तीर हैं जो लकड़ी के, पतले लकड़ी के बने होते हैं और शार्प हैं, बड़ी बड़ी होती थी, ये देखिए कितनी चौड़ी मोटी सी है, ये थोड़ी लंबी है, पतली सी है, उससे भी लंबी ये वाली है,
अलग अलग टाइप की है ये। एक बार में गोली भरी जाती थी, बारूद भरा जाता था, इसको मशलॉक कहते थे। ये सबसे पहली बंदूकें आई थी, ये मशलॉक बनी थी, तोड़ेदार बंदूकें होती थी। तोड़ेदार बंदूकें थी ना, वो उनको दो व्यक्ति चलाते थे, एक उसको पकड़ता था और दूसरा व्यक्ति उसमें लाल गम तार को नाल के छित्र से स्पर्श कराता था, तो उसके बाद बारूद चलता था। बाद में कुछ अलग टाइप की बंदूकें बनने लगी, जैसे ये बन गई तो अकेले भी चलाने लगे। ये तोड़ेदार की ये भी है, सारी सारी तोड़ेदार बंदूकें, दूर से चलने, दो आदमी पकड़ते थे, सब तोड़ेदार हैं, मैशलॉक गन्स हैं। ये अफगानी लोग ज़्यादा यूज़ करते थे। और ये नाले हैं, बंदूकों की नाले, बैरल्स ऑफ अ गन। आग्नेयास्त्र ये देखिए, राइफल है जो बाद में डेवलप की गई अकेले चलाने वाले व्यक्ति के लिए, वो खोल के आप गन बुलेट डाल सकते हैं। और संगीन और ढाल है, ये अलग टाइप की संगीने हैं, ढाल है, बंदूकों की नाल वॉरियर का, और साथ में इतनी बड़ी बड़ी बंदूकें, ये तोड़ेदार बंदूकें, एक आदमी चला ही नहीं सकता इसको। बारूददानी थी जिसको बाद में बंदूक के ऊपर से बारूद भरा जाता है ना, वो उस टाइप की है, ये बारूददानी है। अलग अलग सोल्जर्स के होते थे, हेलमेट के ऊपर पहनने वाला, शिरोस्त्राण हेलमेट ही है ये, मतलब वॉरियर का जो हेलमेट होता है वो है। कटार होती थी, हाथ में पकड़ते थे, दबाते थे, ये आगे से खुल जाता था। ये अलग अलग टाइप के थे, इसको यहाँ यहाँ से पकड़ने के लिए था, जिसका मजबूत हाथ हो पकड़ के खोल सकता था, किसी घुसा के खोल दीजिए तो पेट फट जाए, वैसे था ये। बाप रे, रिवॉल्वर ये यहाँ पे है अभी, रिवॉल्वर टोपीदार पिस्तौल। टोपीदार पिस्तौल कैसी होती है, घुमाने वाली है इसमें गन शॉट के लिए। ये बंदूकों की नाल है, ढाल और प्लस संगीन। जहांगीर कालीन एक कवच है, इसके साथ में एक राजपूत वॉरियर का, ये कैसे पहन के वॉर पे जाते होंगे, जिरब अख्तर पहन के, आर्मर हेलमेट के साथ में, और राजा का है एक, वो पूरा ढक देते थे। जिरब अख्तर होती थी ये, आर्मर होता था जो, मतलब छोटी छोटी धातियों की गोलाकार कड़ियों को एक दूसरे से फंसाकर जो परिधान कमीज पायजामा बनाया जाता था उसको जिरब अख्तर कहा जाता था। स्मॉल स्लिंग्स और मेटल्स वे इंटर विंगल्ड टुगेदर मेक आर्मर फॉर द वॉरियर्स। ये देखिए, छोटी छोटी धातियों को मिला के बनाया जाता था। तो ये राजपूत वॉरियर का एक जिरब अख्तर होती थी। गेड़िया होता है, लोहे की छड़ी होती थी, अगर वहाँ छोड़ा मुड़ा होता है, इसको शत्रु प्रहार के काम में लाया जाता है। तो ये आगे से मुड़ा होता है, कुश, ये रहा अंकुश। हस्ती सेना में हाथियों पर अंकुश रखने के लिए प्रयुक्त होता था, अंकुश वही होता था, हाथी के गुर्ज एवं अंकुश। तो अंकुश से हाथी को मारा जाता था ताकि वो काबू में रहे। फौलादी फौलादी तलवारें हैं, अलग अलग टाइप की हैं, सोर्स नकफना एंड खंडा, ये पतले सोर्स हैं। ये ढाल है देखिए, ये छोटी तलवार है, ये बड़ी है थोड़ी, कुछ मुड़ी हुई है, कुछ स्ट्रेट हैं। म्यान है, ढाल है, वैसी तलवारें हैं, कुछ शार्प, कुछ पतली, कुछ मोटी और कुछ स्ट्रेट। जब आप किले के अंदर आएंगे तो कई द्वार पड़ते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और इसी के ऊपर किला है। तो ये पूरा मिनिएचर बना दिया गया है और इसी में शहर भी बसा हुआ, बीच में नीचे जहाँ पे 5,000 की जनसंख्या रहती है, ऊपर जाके किला पड़ता है, जहाँ पे जैन मंदिर है, जैन कीर्ति स्तंभ है, फिर विजय स्तंभ है जो राणा कुंभा ने बनवाया था, और महल बने हुए हैं सारे। नीचे से जब आएंगे तो पहले पैदल पोल पड़ता है, उसके बाद भैरव पोल है, फिर हनुमान पोल, फिर गणेश पोल, फिर जोरला पोल, लक्ष्मण, फिर राम पोल।
चित्तौड़ की घेराबंदी, ये चित्तौड़ जौहर दिखा रहा है। 13,000 महिलाएं आग में कूद गई थी। जौहर स्मारक है, महिलाओं के हथेली पे अंकन है इसमें। जैसलमेर का किला, आम्बेर का किला, जो हम देख के आगे गागरौन का किला, रणथंबोर किला, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़ या प्राचीन चित्रकूट मेवाड़ की राजधानियों के साथ 7वीं से 16वीं सदी के मध्य राजपूत सत्ता मुख्यतः रहा। इस जिले का निर्माण मौर्य वंश के राजा चित्रांगद ने 7वीं सदी ईस्वी में करवाया। महाराणा कुंभा 14वीं से 18वीं सदी ने अपने समय में अधिकांश मंदिरों में भवनों का जीर्णोद्धार करवाया था। मौर्य 7वीं से 8वीं सदी ईस्वी, प्रतिहार 9वीं सदी, परमार 10वीं से 11वीं, सोलंकी 12वीं सदी और गहलोत और सिसोदिया प्रमुख थे। अपने लंबे इतिहास में यह किला 3 बार आक्रांत हुआ। 1330 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, 1535 ईस्वी में गुजरात के बहादुर शाह ने, 1567 ईस्वी में मुगल चाचा अकबर के समय में 3 बार इसकी परिणति जौहर के रूप में, जिसमें दुर्ग की महिलाओं को ने बच्चों के साथ स्वयं को अग्नि को समर्पित कर दिया, जो कि राजपूत वीरता का प्रतीक है। की राजधानी उदयपुर स्थानांतरित हो गई। वीरता बलिदान की घटनाओं के साथ ही चित्तौड़ स्थापत्य की दृष्टि से भी राजी सत्ता का महत्वपूर्ण केंद्र। किले में स्थित भव्य महल, मंदिर, स्तंभ, क्षत्रिय जलाशय और दरवाजे राजपूत स्थापत्य के शीर्ष उदाहरण है। यहाँ से पूरा सिटी का व्यू आता है। ये सेल्फी पॉइंट है और पूरा ये सिटी का व्यू यहाँ से मिल रहा है। चित्तौड़गढ़ सिटी का बैकग्राउंड है पूरा। चित्तौड़गढ़ किला, नीचे जाने का रास्ता है।